नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गुड़, लहसुन, सूरजमुखी, गेहूं, मूंगफली, कोको और अरहर की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। लहसुन की पैदावार में बढ़त का अनुमान, निर्यात में आई कमी। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं लहसुन से। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के सौदों में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में मजबूती देखने को मिली। वहीं बात लहसुन की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। लहसुन के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2020-21 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। देश की ज्यादातर मंडियों में शनिवार को लहसुन के सौदों में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में मजबूती देखने को मिली। लहसुन के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 10 जून को लहसुन का भाव रहा 4,000 रुपए, 11 जून को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव 4,500 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह महाराष्ट्र की अकलूज मंडी में लहसुन के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 10 जून को लहसुन का भाव था 2,700 रुपए, 11 जून को इसके सौदों में 300 रुपए की तेजी आई और भाव 3,000 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही पुणे मंडी में बीते दो दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 जून को लहसुन 2,000 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की कोसी कलां मंडी में 10 जून को लहसुन का भाव था 3,900 रुपए, 11 जून को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 3,900 रुपए पर हुए। लहसुन के भाव में स्थिरता उत्तर प्रदेश की ही गंगोह मंडी में देखने को मिला। यहां शुक्रवार को लहसुन का भाव रहा 1,900 रुपए, शनिवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,900 रुपए पर बरकरार रहा। आपको बता दें कि साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। जी हाँ, तो लहसुन के बाजार की स्थिति पर ये रिपोर्ट आपने देखी। निर्यात में हालांकि इस वक्त कुछ कमी देखी जा रही है, लेकिन अगर कृषि उपज मंडियों की बात करें तो यहाँ पर एक सामान्य आवक इस वक्त लहसुन की बनी हुई है। साथ ही अधिकतर जो मंडियां हैं उसमें भाव में एक स्थिरता इस वक्त देखी जा रही है। मैं कुछ मंडियां हैं जहां पर भाव बढ़े भी हैं, उसमें तेजी का रुख भी दिखा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस वक्त बाकी की सुर्खियां क्या है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची गन्ने की पैदावार, मंडियों में सामान्य रही गुड़ की आवक। घरेलू स्तर पर बढ़ी सूरजमुखी की उपज, इस साल 2,55,000 टन हो सकती है उपज।
आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं गुड़ की। देश से होने वाला गुड़ और कन्फेक्शनरी का निर्यात साल 2020-21 के दौरान 6 लाख मेट्रिक टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात गुड़ की आवक की करें तो शनिवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल गन्ने की उपज में 2 करोड़ टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में गुड़ को 3000 सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में मीठे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गुड़ को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। खेतों में कई महीने तक फसल लगने के बाद किसान गन्ना काटते हैं, उसकी कोल्हू में पेराई करते हैं और फिर गन्ने के रस को उबालने के बाद गुड़ तैयार होता है। चीनी मिले तो गन्ने से शक्कर बनाती है, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है, जो आज भी पारंपरिक तरीकों से ही बनता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा गुड़ के लिए कोल्हू है, जिन्हें क्रेशर कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी यूपी में करीब 3500 क्रेशर है। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व में 2,659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। वही साल 2020-21 के दौरान भारत ने गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद को मुख्य रूप से श्रीलंका, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और अमेरिका में निर्यात किया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गुड़ के भाव कुछ इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में 10 जून को लाल गुड़ का भाव रहा 3,925 रुपए। 11 जून को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,925 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही नौगढ़ मंडी में इस दौरान लाल गुड़ के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 10 जून को लाल गुड़ का भाव था 3,750 रुपए, 11 जून को इसके सौदों में 430 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3,320 रुपए। इसी तरह पश्चिम बंगाल की पुरुलिया मंडी में गुड़ के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 10 जून को गुड़ का भाव रहा 3,500 रुपए, 11 जून को इसके सौदे 40 रुपए लुढ़क कर 3,460 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल गन्ने की उपज बीते साल के मुकाबले 2,51,00,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 43,04,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 40,53,99,000 टन रही थी। जी हाँ, तो इस बार गन्ने की रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया जा रहा है और जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो गुड़ के उत्पादन पर भी पड़ेगा। निर्यात की स्थिति यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है और मंडियों में इस वक्त एक सामान्य आवक गुड़ की बनी हुई है। ऐसे में गुड़ की बिकवाली की अगर आप सोच रहे हैं तो मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और कुछ फलों के हाजिर भाव के बारे में आपको बता दें। आइए जान लेते हैं कि सेब के मंडी भाव किस तरह से रहे। देश के अलग अलग कृषि उपज मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहा सेब का भाव। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी का अगर रुख करें तो यहां सेब के सौदे 9,200 रुपए पर हुए। इसके अलावा गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। मुजफ्फरनगर मंडी में सौदे 7,850 रुपए पर हुए तो रूड़ा मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए। जी हां, ये तो बात हुई सेब की। जान लेते हैं केले के हाजिर भाव के बारे में और अगर रुख करें सबसे पहले पंजाब की दीनानगर मंडी का तो यहां केले का भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए तो वहीं उत्तर प्रदेश की रूड़ा मंडी में सौदे 3,000 रुपए पर हुए और इटावा मंडी में भाव रहा 2,475 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी गेहूं, मूंगफली और सूरजमुखी की। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले,
आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी, जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे गेहूं और मूंगफली के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सूरजमुखी की। घरेलू स्तर पर इस साल सूरजमुखी की पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल सूरजमुखी की उपज 2,55,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 27,000 टन अधिक है। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। सूरजमुखी के बाजार पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान कुल सूरजमुखी की उपज 27,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल सूरजमुखी की पैदावार 2,55,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की उपज 2,28,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल सूरजमुखी बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 6,015 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सूरजमुखी बीज की MSP में 385 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद सूरजमुखी बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। जी हाँ, तो सूरजमुखी के बाजार की स्थिति पर ये रिपोर्ट आपने देखी है, और ऐसे में अगर आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो आपको बाजार भाव पर लगातार नजर बनाए रखने की इस वक्त जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको बाजरे के हाजिर भाव। देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की पालनपुर मंडी से अगर शुरुआत करें तो यहाँ बाजरे का भाव रहा 2,067 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर रुक करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी का, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सौदे 3,000 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी में बाजरा 2,300 रुपए पर बिका। और वहीं उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी का रुख करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि जो बाजरे के सौदे हुए हैं वो 1,800 रुपए पर हुए हैं। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गेहूं की। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 10,64,41,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज 10,95,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी गेहूं की पैदावार में 31,49,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं बिकवाली के लिए पहुंचा। अगर बात करें इसके हाजिर भाव की, तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की पालनपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,245 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। वही महाराष्ट्र के पुणे मंडी में शरबती गेहूं 5,150 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,011 रुपए पर हुए।
जहां तो अधिकांश मंडियों में गेहूं की आवक इस वक्त देखी जा रही है और तमाम मंडियों में किस तरह से भाव चल रहे हैं ये हमने आपको बताया। पैदावार जो है रबी गेहूं की उसमें कुछ कमी का अनुमान इस वक्त जताया जा रहा है और आने वाले दिनों में गेहूं के जो बाजार भाव है उस पर इसका असर जरूर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको जौ के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी की बात करें तो यहाँ जौ का भाव रहा 2,700 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि सूरत गढ़ मंडी में इसके सौदे 2,460 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए और वहीं इसी राज्य की मुजफ्फरनगर मंडी में भाव रहा 2,660 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मूंगफली के बाजार की स्थिति के बारे में। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में 1,57,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। बात इसके निर्यात की स्थिति की करें तो इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिल सकती है। एपीटा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के लिए अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान मूंगफली का कुल निर्यात 4,76,700 टन का हुआ था, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 5,89,400 टन का हुआ, यानी बीते 11 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,12,700 टन की कमी देखने को मिली है। जी हाँ, तो मूंगफली के निर्यात की स्थिति देखें तो उसमें भी इस वक्त कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो पैदावार है उसमें भी जो कमी है उसका अनुमान जताया जा रहा है। आने वाले दिनों में भाव किस ओर जाएंगे इस बात पर निर्भर करेगा कि मांग किस तरह की निकल कर आ रही है। इसके साथ फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कोको और अरहर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060, 1800-11-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोको की। कोको एक नकदी फसल है। भारत के किसान कोको की खेती नारियल, सुपारी और पाम की खेती के साथ भी करते हैं। भारत में कोको की खेती खास तौर पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर कोको की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कोको के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कोको की उपज 27,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कोको की पैदावार महज 26,000 टन ही हो पाई थी, यानी इस साल कोको की उपज में 1,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं बात कोको के निर्यात की करें तो वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2020-21 के दौरान 11,008.38 करोड़ रुपए और 149.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत की 25,768.07 मीट्रिक टन कोको को वैश्विक बाजार में निर्यात किया है।
आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका, तुर्की, इंडोनेशिया, ब्राजील के अलावा दूसरे कई देशों में साल 2020-21 के दौरान कोको का निर्यात किया। जहां तो भारत से कोको का निर्यात देश कई देशों में किया जाता है और इस वक्त जो पैदावार है उसमें एक बढ़त देखी जा रही है और आने वाले दिनों में इसका जो असर है वो कोको के भाव पर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में ज्वार के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की खेड़ ब्रह्मा मंडी की बात करें तो यहाँ ज्वार का भाव रहा 3,100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पालनपुर मंडी में सौदे 4,412 रुपए पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 2,500 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर बात करें तो यहां ज्वार के सौदे 4,450 रुपए पर हुए। जहां ये तो ज्वार की बात हुई, जान लेते हैं कि आम के भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से शुरुआत करते हैं, यहां आम का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में इसके सौदे 6,500 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जा रहे हैं। जान लिया आपने कि आम के भाव देश के अलग अलग मंडियों में इस वक्त क्या चल रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं अरहर की स्थिति के बारे में, देखते हैं कि इसका जो बाजार का हाल है वो क्या बता रहा है। देख रहे हैं हम कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में एक बढ़त देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्केट के अनुसार शनिवार को मध्य प्रदेश की बुरहानपुर मंडी में अरहर का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र के जलगांव मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में सौदे 6,500 रुपए पर हुए, जबकि इसी राज्य की रूरा मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,200 रुपए पर हुए। बता दें आपको कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में साल अच्छा इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तो दलहन की पैदावार को लेकर सरकार की तरफ से भी काफी प्रोत्साहित किसानों को किया जा रहा है। हाल ही में जो MSP है उसका भी ऐलान किया गया है, जिसमें अब बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। वहीं निर्यात की स्थिति दालों की इस वक्त अच्छी नजर आ रही है। अरहर के भाव आगे किस ओर जाएंगे ये निर्भर करेंगे कि पैदावार के अलावा जो मांग की स्थिति है वो इस वक्त किस तरह की निकल कर आ रही है। बहरहाल इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।